हेलो, आई एम डॉक्टर श्वेता विश्नोई और आज हमारा जो लेक्चर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड द प्रोपोगेशन मैकेनिज्म ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर? हाउ डज लाइट प्रोपोगेट अलोंग द फाइबर? तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है और किस तरीके से लाइट उसमें मूव करती है या प्रोपोगेट करती है। तो व्हाट इज एन ऑप्टिकल फाइबर, तो वहां पे उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पूछा है। तो वहां पे हम ऑप्टिकल फाइबर का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और प्रोपोगेशन मैकेनिज्म इन ऑप्टिकल फाइबर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर क्या है? वेव गाइड है, यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट डायरेक्टिक मटेरियल यूज करते हैं, जिसका फंक्शन है या जिसका काम है लाइट को गाइड करना। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर, हाउ डज लाइट प्रोपोगेट अलोंग द फाइबर। तो व्हाट इज ऑप्टिकल फाइबर यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइबर इज वेव गाइड यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। इट इज मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट डायलेक्टिक मटेरियल हुज फंक्शन इज टू गाइड द लाइट वेव। अब इसके स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करेंगे ऑप्टिकल फाइबर के। तो ऑप्टिकल फाइबर में मेनली फोर पार्ट्स होते हैं। देखिए, नॉर्मली जो ऑप्टिकल फाइबर है ग्लास, प्लास्टिक या डोपिंग मेट प्रोडक्ट से मिलके बना होता है। तो मटेरियल्स जो यूज होते हैं, ग्लास यूज होता है, प्लास्टिक यूज होता है या जर्मेनियम यूज होता है। तो ये हमारा हेडिंग डाल दीजिएगा, स्ट्रक्चर है ऑप्टिकल फाइबर का। तो सबसे इनर में कोर होता है, सिलेंड्रिकल रॉड कह लीजिए, रॉड जैसा होता है, मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, इसको कोर बोलते हैं। सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 होता है। ये कोर जो है सराउंडेड होता है सिलेंड्रिकल शेल से, जो कि ग्लास या प्लास्टिक का बना होता है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है N2, और N1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2। तो हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि कोर का रिफ्रैक्टिव, अगर ये दोनों ही सपोज मटेरियल ग्लास हैं, तो इस तरीके से ग्लास चूज करते हैं कि जो इनर है कोर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस कोर की कंपैरिजन में कम होगा। और ये दोनों भी क्योंकि ग्लास के बने हुए हैं, तो एक प्लास्टिक की प्रोटेक्टिव जैकेट, आउटसाइड जैकेट से कवर रहते हैं, जिसको हम शीथ बोलते हैं, प्रोटेक्टिव जैकेट होती है। ये क्या काम करती है, इसको बाहर के एटमोस्फेरिक इफेक्ट से, मॉइस्चर से, और इसको डैमेज होने से बचाती है। तो ये तो इसका सामने, ये साइड व्यू है जो ऊपर बन रहा है। एक सामने से क्रॉस सेक्शनल व्यू है कि ये इनर में कोर है, फिर बाहर क्लैडिंग है, और क्लैडिंग भी बाहर से टू लेयर प्रोटेक्टिव जैकेट से कवर रहती है। ठीक है, तो उसको अलग दिखाने के लिए तो ये क्या है, कोर है, ये क्लैडिंग है, ये और ये मिलके शीट बनाते हैं, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी कोटिंग है, इसको सेफ करने के लिए, मॉइस्चर से, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट से, प्रेशर से सेफ करने के काम आती है। तो कोर क्या है, कोर एंड ऑप्टिकल फाइबर कंसिस्ट ऑफ इनर सिलेंडर विच इज मेड ऑफ ग्लास कॉल्ड कोर। द कोर कैरीज द लाइट, जो लाइट ट्रेवल, जो हम सिग्नल भेज रहे हैं, वो बेसिकली इस कोर के अंदर मूव करता है। क्लैडिंग का क्या काम होता है, क्लैडिंग उस सिग्नल को इसी के अंदर वापस रखने का काम करता है, क्योंकि TIR होना है, तो लाइट वापस यहाँ जाएगी और वापस से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस से कोर के अंदर आनी है। स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, तो कोर होता है जो कैरीज करता है लाइट को। क्लैडिंग क्या है, द कोर इज सराउंडेड बाय सिलेंड्रिकल शेल ऑफ प्लास्टिक और ग्लास ऑफ रिलेटिवली लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉल्ड क्लैडिंग। द क्लैडिंग हेल्प्स टू कीप द लाइट विद इन द कोर थ्रू द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और लास्ट में जो आउटर टू लेयर्स हैं, जैकेट बोलते हैं उसको, आउटर मोस्ट रीजन इज कॉल्ड शीट, शीट इज अ प्रोटेक्टिव
जैकेट और स्किन, जो क्या काम करती है, इसको डैमेज होने से, मॉइस्चर इफेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। मैम कौन सा के टू लेयर्स हैं यहाँ पे इसकी, इसको बफर कोटिंग भी बोलते हैं। कोट का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N1, क्लैडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N2, और N1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन N2 अगर हम TIR कराना चाहते हैं तो। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि TIR पे डिपेंड करता है, तो क्रिटिकल एंगल जो है, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए और लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। तो ऑलरेडी हम क्या है, लाइट प्रोपोगेशन की कंडीशन पढ़ चुके हैं, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर दिखाया भी है, ये बनाना नहीं है, सिनेक्स वाले में बनाएंगे जो बनाना है। तो दिखा रखा है कि ये क्या है, बीच वाला कोर है, ठीक है, ये कोर है, ये क्लैडिंग है। तो क्या करेंगे, यहां से हमने लाइट इंसिडेंट की, तो इस जगह जहां पे कोर और क्लैडिंग एक दूसरे से मीट कर रहे हैं, कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे, यहाँ पर जो इंसिडेंट एंगल है इस लाइट का, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो लाइट इधर जाएगी क्लैडिंग की साइड कोर से, और बाहर इमर्ज आउट हो सकती है, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी लाइट कोर के अंदर ट्रैवल करेगी और आउट सेकेंड एंड पे हमें मिल जाएगी। प्रोपोगेशन मैकेनिज्म ऑफ ऑप्टिकल फाइबर शोन इन फिगर, ये वाला फिगर बनाना है, ठीक है, उसको हम बना नहीं सकते थे। तो ये साइड व्यू है, ये बीच वाला, यहाँ पे हमने कोर दिखा रखा है, ये बाहर इसके आउटर में क्लैडिंग दिखा रखा है। हमें पता है कोर है उसका रिफ्लेक्टिव, हाँ बताइए, N1। मैम तो यहाँ पे क्या है, हमें पता है इंसिडेंट जो क्रिटिक ये है, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कोर का क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए। ये वाला इंसिडेंट एंगल, इसको हम या कह लीजिए जहां से हम लाइट को इंसिडेंट करते हैं, इसको लॉन्चिंग जोन बोलते हैं। यहाँ से लाइट इंसिडेंट होती है कोर के अंदर, यहाँ पर ये जो एंगल है थीटा, ये हमेशा क्रिटिकल एंगल के बराबर या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो लाइट इस तरीके से इंटरफेस से बाहर यहाँ आउटपुट में मिल जाएगी हमें, और अगर ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो लाइट इस मीडियम में वापस मूव कर जाएगी। और जैसे ये थीटा क्रिटिकल एंगल से नीचे जाएगा, कम होगी वैल्यूज की, तो लाइट वापस से इधर क्लैडिंग की साइड आ जाएगी और इस ऑप्टिकल फाइबर से साइड में से वॉल से इमर्ज आउट हो जाएगी। तो क्या कंडीशन है प्रोपोगेशन की, प्रोपोगेशन की यही दो कंडीशन है। पहला कि जो हमारा कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, जो इंसिडेंट एंगल है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे थीटा, ये ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए थीटा सी के। अगर ग्रेटर है तो लाइट TIR करते हुए कोर के अंदर मूव करेगी, और अगर इक्वल है तो कोर क्लैडिंग इंटरफेस से बाहर इमर्ज आउट होके मिल जाएगी। तो द प्रोपोगेशन मैकेनिज्म इन ऑप्टिकल फाइबर इज शोन इन फिगर व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इनपुट एंड, इस इनपुट एंड को हम लॉन्चिंग जोन भी बोलते हैं, ऑफ अ फाइबर, द लाइट इज ट्रांसमिटेड विद इन द कोर एंड इट अंडरगोज रिपीटेडली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और कंटिन्यूसली ऐसे TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी इंसिडेंट एंगल थीटा थीटा सी से ज्यादा होगा और TIR करते हुए हमें आउटपुट में मिल जाएगी। लेकिन प्रोपोगेशन ऑफ लाइट सिग्नल इन फाइबर विल अकर ओनली इफ टू कंडीशन सेटिस्फाई, कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, N1 ग्रेटर देन N2 होना चाहिए, एट कोर क्लैडिंग इंटरफेस, यानी कि इस जगह पे द एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे ये क्रिटिकल एंगल
ज्यादा होना चाहिए अगर TIR कराना है, और आउटपुट पे हमें लाइट चाहिए तो थीटा सी से भी काम चल जाता है. व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन इनपुट एंड ऑफ द फाइबर एंड द लाइट इज ट्रांसमिटेड विद इन द कोर, इट अंडरगोज रिपीटेडली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और साइड ऑफ वॉल से. आज का लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं. अगर आपका कोई डाउट है, क्वेरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं. थैंक यू.